हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं दिवाली स्पेशल संवत 2079 यानी कि 2079। बाजार कैसे रह सकता है, दिशा क्या रहेगी बाजार की, कौन से ऐसे सेक्टर से जिन पे रखनी होगी हमें नजर, और बढ़िया रिटर्न्स के लिए हमको कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस पे ध्यान रखना होगा, इस सब पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ हमारे बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस्टर विजय केडिया, एमडी केडिया सिक्योरिटीज के। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वंस अगेन। थैंक यू मैडम, धन्यवाद मेरे को बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर केडिया, अगर हम बाजारों की बात करें तो पूरे एक साल की दिशा अगर बाजार की देखें तो मार्जिनली लोअर हमारा बाजार है, लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट्स के अगेंस्ट कंपेयर करें अपने बाजारों को तो बहुत ही अच्छा रेजिलियंस दिखाया हमारे बाजारों ने, आउट परफॉर्म किया है ग्लोबल मार्केट्स को। क्या लगता है आपको 2079 संवत कैसा रह सकता है बाजारों के लिए? देखिए, जहां तक मेरा पर्सनल सवाल है तो वो तो मैं एक बता देता हूँ कि जैसे मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि मैं तो सावन कांदा हूँ, मेरे को तो हरा ही हरा दिखाई देता है, तो मेरे को तो चारों तरफ हमेशा सब बढ़िया ही बढ़िया दिखाई देता है। और ये सब चीजें तो आती जाती रहती है, कभी ये फेड आएंगे, कभी इंटरेस्ट रेट हाइक आएगा, कभी फॉरेक्स आएगा, कभी वॉर आएगा, ये सब तो चलता रहता है। तो मेरे को लग रहा है कि जो हम हैं हम एक अच्छी स्थिति में हैं जहां तक इंडिया का सवाल है, और मेरे को तो ऐसे लग रहा है कि आगे भी अच्छा ही रहेंगे करेंगे। इसमें खाली एक समझ लेना चाहिए कि हम शेयर बाजार में, हम इंडेक्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, हम शेयर बाजार में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, हम इंडिविजुअल कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जब हम बातें करते हैं तो हम शेयर बाजार की बातें करते हैं, शेयर बाजार एज ए होल उसकी बातें करते हैं, या इंडेक्स एज ए होल, तो इंडेक्स में तो खाली 30 शेयर है, निफ्टी में 50 शेयर है, हम उनकी बातें करते हैं। ऑफकोर्स उनका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन मार्केट का जो सेंसिटिव जो होता है इन शेयरों में ज्यादा सेंसिटिवनेस इन शेयरों में ज्यादा रहती है, क्योंकि इंडेक्स के ये रिप्रेजेंटेटिव है। तो एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर मैं इंडेक्स को या मार्केट को इतनी अहमियत नहीं देता हूँ, और इंडिविजुअल स्टॉक्स को मैं ज्यादा अहमियत देता हूँ, और जिन शेयरों में मैंने निवेश किया हुआ है उनको मैं ज्यादा ध्यान में रखता हूँ। ऑफकोर्स इंडेक्स के आंकड़े या मार्केट सब ये मेरे दिमाग में तो रहते हैं, लेकिन मैं इन्फ्लुएंस उससे नहीं होता हूँ, क्योंकि इंडिविजुअल कंपनी अपना इंडिविजुअल टेरिटरी में, अपना इंडिविजुअल प्लान, इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी के अंदर में वो काम करती है, और ये सब चीजें तो आती जाती रहती है। तो मेरे को लग रहा है कि अगले साल भी अच्छा रहेगा। इंडेक्स वाइज हो सकता है कि ज्यादा बढ़ोतरी न हो अगले 6 महीनों में, ऐसा हो सकता है इंडेक्स वाइज, क्योंकि क्या है कि वो जैसा है ना, ये फॉरेनर जो यूएस और यूरोप में जो रिसेशन है ये तुम्हें बढ़ने नहीं देगा और इंडियन इकोनॉमी तुम्हें गिरने नहीं देगी, तो ये कुछ इस तरह का हिसाब रहेगा इसके। तो इसमें हो सकता है इंडेक्स थोड़ा साइडवेज रहे, इंडिविजुअल स्टॉक्स जिनमें जिनकी ग्रोथ अच्छी है, जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जिनको इनसे फॉरेन से कोई फर्क नहीं है, वो अपने अपनी दिशा में मूव करेंगे, रफ्तार थोड़ी स्लो हो सकती है, ये समझना चाहिए। विजय सर, तीन की चेंजेस जो आपको लगता है कि हमारे देश को स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं हमारे देश को, वो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग तो देखिए मेरे को एक तो लगता है कि जो हमारा जो यूथ है, जो यंग एज, जो यंग पॉपुलेशन है, आप आंकड़े देखिए, सब जितने भी बड़े बड़े पंडित हैं, जो चाहे हमारे इवन इंडिया के जो भी इकोनॉमिस्ट है, जो पहले गवर्नमेंट में थे, अभी गवर्नमेंट में नहीं है, पिछले 3-4 साल में चले गए हैं छोड़ के गवर्नमेंट को, और वो सब अभी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं जितने भी इकोनॉमिस्ट है। जब तक सरकार में थे तब तक ये उनका एक हिस्सा थे, द मोमेंट उनका डिवोर्स हो गया तो फिर वो उनकी वो अभी वो उनको क्रिटिसाइज करते रहते हैं, और वो अमेरिका में बैठकर इंडिया को क्रिटिसाइज करते हैं, और अमेरिका में काम कर रहे हैं, और बैंड बजी हुई अमेरिकन इकोनॉमी की, तो मजे का आप देखिए, मजे की बात देखिए, आप काम वहां पे कर रहे हैं, पगार वहां पे ले रहे हैं, और इंडियन इकोनॉमी को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, और वहां की इकोनॉमी डब्बा हो रही है। तो ये सब तो इन लोगों का सब ये चलता रहेगा। तो लेकिन वो भी एक बात बोलना चाहते हैं कि इंडिया की जो डेमोग्राफी जो है, या जो यूथ हमारी, यंग एज जो हमारी है, जो मीडियन एज है और यंग एज है, और जो वर्किंग पॉपुलेशन है, वो बहुत लार्ज है, वो कई कंट्रियों को मिलाकर भी एक उनसे उनसे भी भारी पड़ती है। तो ये एक इंडिया के लिए मेरे को लगता है कि बहुत अच्छी बात होगी, और हमारी एस्पायरिंग, दूसरे हमारे एस्पायरिंग कंट्री है, आप किसी भी यंग लड़के से मिलिए, यंग लड़कियों से मिलिए, वो आपको एस्पायरिंग की बातें करेंगे कि हाँ भाई मेरे को ये किया है, मैंने आगे वो करना है, और एस्पिरेशन उनके अंदर में है अपना कुछ स्थापित करने का। स्टार्टअप्स की आप देखिए, कितने कितने स्टार्टअप्स, हजारों हजारों स्टार्टअप्स आ रहे हैं, स्टार्टअप कैपिटल बन रहा है इंडिया, वर्ल्ड का स्टार्टअप कैपिटल बन रहा है, और ये योगदान करेगा, बड़ी बड़ी कंपनियों को एक एक्सिलरेशन का काम करेगा, उनके इनपुट के लिए काम करेगा। तो हमारा ये जो एस्पिरेशन है,
ये अद्वितीय है जो मेरे को लग रहा है। ये हमारा एक दूसरा एक सबसे बड़ा पॉइंट है हमारे लिए आगे बढ़ने का और एस्पिरेशन और यंग एज। और तीसरा जो मैडम जो मेरे को सबसे बढ़िया जो लगता है वो लगता है फीमेल पार्टिसिपेशन। आप एक जमाना था जैसे हमारे जमाने में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था कि हाँ भाई वो पढ़ लिख कर क्या करना है, चूल्हा बर्तन ही तो करने का है। उस जमाना चेंज हो गया। अभी मैं जहाँ स्पीचेस में जाता हूँ, जहाँ पर कॉलेज में कई बात करती, यंग यंग लड़कियां 18 साल 20 साल 22 साल की लड़कियां हैं, उनके अलग सपने हैं, वो अपने आप को अलग कुछ दिशा में लेकर जाना चाहती है। तो ये जो फीमेल पॉपुलेशन जो ऐड करेगी हमारी इकोनॉमी के अंदर में, इसका कोई आंकड़ा भी फिलहाल है नहीं, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। आप वो सोचिए, ये सबसे बड़ा योगदान इंडियन इकोनॉमी में होने वाला फीमेल पार्टिसिपेशन का। तो मेरे को ये सब कुल, और दूसरा हमारी जो इकोनॉमी बड़ी बैलेंस्ड है अलग पॉइंट में, हम खाली एक्सपोर्ट पर निर्भर नहीं है और हम खाली डोमेस्टिक पर भी निर्भर नहीं है। ऑफकोर्स डोमेस्टिक का शेयर हमारा बहुत लार्ज है, तो हम बड़ा बैलेंस्ड है, हमारे अंदर में एक्सपोर्ट में भी है और हम डोमेस्टिक इकोनॉमी हमारी इतनी वाइब्रेंट है डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो ये सारी चीजें जो भी मेरे दिमाग में आ रहे हैं, 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जो हमको आगे योगदान करेंगे हमारी ग्रोथ के लिए। सर, आपने कहा कि आप स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा रहते हैं, तो आप अगर आपके पोर्टफोलियो को देखा जाए तो आपकी वेटेज कहाँ पे ज्यादा है, कौन से ऐसे सेक्टर्स है जिन पे आपका की फोकस रहेगा इस नए संवत? देखिए मेरा तो बड़ा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, मेरे को लगता है मैं 10-15 सेक्टर के अंदर में शायद मेरा निवेश होगा। और लेकिन जो पहले भी शायद आपके चैनल पे मैंने बोला था कि मेरे को लग रहा कि इंडिया में कैपेक्स का एक बूम शुरुआत होने वाला है, जो 10 साल नहीं हुआ, 2008 के बाद में अगर देखा जाए तो 2008 से लेकर 20 तक कैपेक्स कोई इंडिया में हुआ नहीं। हमने नहीं सुना कोई भी एक 50,000 करोड़ का प्लांट किसी ने बैठाया हो, किसी भी इंडस्ट्रीज ने बैठाया हो, ऐसा नहीं हुआ। मेरे को लग रहा है ये धारणा अभी चेंज हो रही है, ये मौसम अभी ये थोड़ा सा बदल रहा है और ये कैपेक्स का बूम आएगा। तो इसके अंदर में जो भी कैपिटल गुड्स वगैरह या जो कैपेक्स के लिए जो भी योगदान करने वाली है वो इंडस्ट्रियां बेटर करेगी। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि खाली कैपेक्स की बात नहीं, मेरे को लग रहा वन बाई वन जैसे बैंकिंग देख लीजिए, बैंकिंग ने जो पब्लिक बैंक है, जो पीएसयू बैंक्स वगैरह, इन्होंने 15 साल में इन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया और इन्होंने इतने इतने अपने एनपीओ को इन्होंने ऑलरेडी इन्होंने रिटर्न ऑफ किया है कि अब इनको एड बैक करने का भी टाइम आने वाला है। तो अगर ये कुछ ये बैंकिंग वगैरह भी जो है, स्पेशली पीएसयू बैंक इतनी सस्ती है, ये भी अच्छा करना चाहिए। और मेरे को लग रहा है ऑटोमोबाइल के अंदर में सभी बोल रहे हैं कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो भी अच्छी करनी चाहिए। तो मेरे को लगता है होस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रियों का पार्टिसिपेशन होगा जी। तो ये खाली एक या दो इंडस्ट्री लीड नहीं करेगी। और एक जमाना था 2000 के पहले जब एक या दो इंडस्ट्री शेयर बाजार को लीड करती थी, 2003-04 बाद के बाद मल्टीपल इंडस्ट्रियां हैं जो योगदान करती है बुल मार्केट को लाने का। जब 2003-07 के बीच में 5-6 इंडस्ट्रियां ऐसी थी, सेक्टर ऐसे थे जिन्होंने शेयर बाजार में योगदान किया, वही प्रचलन चालू है। मेरे को लगता है अभी आने वाले टाइम में 1-2-3 नहीं, हो सकता 8-8-10-10 सेक्टर है जो वो लीड करेंगे तेजी के लिए। एक सेक्टर ऐसा है जिसने लीड किया है इस पूरे पिछले संवत में, वो है डिफेंस सेक्टर। और डिफेंस में अगर ऑर्डर बुक देखी जाए, कंपनीज की बड़ी ही स्ट्रॉन्ग डिफेंस की ऑर्डर बुक है इस समय, और आने वाले समय में भी माना जा रहा है कि इंडिया जो है डिफेंस में सिर्फ इंडिजिनियस अपने इस्तेमाल के लिए नहीं, एक्सपोर्ट मार्केट के लिए काफी अच्छी डेस्टिनेशन बन सकती है। आपका डिफेंस सेक्टर पे इस समय व्यू क्या बन रहा है? मेरे को लग रहा है ये गेम चेंजर है ये इंडिया के लिए। ये और भी कुछ एक दो लोगों से मेरी, कुछ रिटायर्ड जो लोग हैं डिफेंस के, उनसे मेरी बात हुई, उनके हिसाब से भी ऐसे लग रहा है ये गेम चेंज हो गया है इंडिया के लिए। पहले हम इस बारे एक एग्जांपल दोनों ने देता हूँ, जैसे उन्होंने मेरे को एक बात मेरे को बताई कि 1962 के बाद में 2022 तक, या समझिए 2020 तक समझिए, चाइना और हमारे बीच में एक भी गोली नहीं चली। एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया, ऐसे छोटी मोटी मुठभेड़ होती रहती है बॉर्डर पे, उनको छोड़ दें, लेकिन जिसको वॉर के हिसाब से बोले या उसके लेवल वाले, एक भी गोली नहीं चली। तो 62 और 22, या समझिए 20 आप समझ लीजिए, तो 38 उधर और 20 इधर, 48 58, तो 58 साल के अंदर में अगर समझिए कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वो उनका बोलने का मतलब ये, शायद ये बिपिन रावत सर ने बोला था जो गुजर गए हैं, तो उन्होंने उन सर ने बोला था कि नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, कि लग रहा बॉर्डर पे चीजें चेंज हो गई है। इस चीज को मेरे को लग रहा है ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरह समझ लिया है उस चीजों को, इस सरकार ने। इसके पहले कभी हम लोगों ने डिफेंस पे इतना ध्यान नहीं दिया, कि खर्चे होते हैं 2 लाख करोड़ खर्चे सरकार करती थी, आधे पेंशन में चले जाते हैं, आधे सैलरी में चले जाते हैं, थोड़े बहुत इधर उधर कर लेते हैं। मेरे को एक आदमी ने बताया, मैडम ये जानने लायक बात है, जो बारूद की कंपनी है उसने बताया, जब कारगिल जब हमारा युद्ध हुआ, हमारे पास में उसने बताया गोला बारूद नहीं थे, इधर युद्ध शुरू हो रहा है और उधर हमारे लोग जाकर गोला बारूद दुनिया से खरीद रहे हैं।
हो सकता है इस बात में थोड़ा सा सच्चाई पूरी नहीं हो, लेकिन आप इसको ग्रॉस लेवल पे इस बात को समझे, मतलब उस समय हमारे डिफेंस के लोग जाकर गोला बारूद खरीद रहे थे, तो कहने ऐसी स्थिति हमारे डिफेंस की थी, हमने राम भरोसे बोलते हैं ना छोड़ रखा था बॉर्डर को, ये सिनेरियो भी चेंज हो गया है। और ये सिनेरियो जो चेंज हुआ, 5 लाख करोड़ का बजट है अभी डिफेंस का, शायद 5 लाख करोड़ का ही कुछ है, ये गेम चेंजर है। और लेकिन इसके अंदर में भी अभी ऑलरेडी डिफेंस के शेयर्स हैं नीचे से 3 गुना 4 गुना ऑलरेडी हो चुके हैं बॉटम से, अगर देखा जाए 2020-21 की बॉटम से हो चुके हैं, इनका फ्यूचर ब्राइट है। इन्हें कौन कंपनी ज्यादा एफिशिएंट होगी और इनके अंदर में ज्यादा अच्छी तरह से काम करेंगे, ये समझने लायक है। एज ए होल लगता है ये सेक्टर 10-5 साल के लिए ये ठीक रहेगा। एक ऐसा सेक्टर है जिसको सबने डंप किया है, अंडर परफॉर्म किया है सेक्टर ने, वो रहा आईटी, जिसने हमको हमेशा सहारा दिया लेकिन इस बार वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाया पिछले संवत में। क्या आपको लगता है कि आने वाले स्थिति थोड़ा बेहतर होगी, क्योंकि अनसर्टेनिटी तो ग्लोबल मार्केट्स में अभी भी बनी हुई है सर, वहां पे तो कोई दिक्कतें खत्म होती दिखती नहीं है, क्योंकि पहले इन्फ्लेशन को ट्रांजिटरी बताया गया, अब इन्फ्लेशन सर पर चढ़ के बोल रही है, पहले ये कहा गया कि इंटरेस्ट रेट हाइक जो है वो एग्रेसिव नहीं होगा, लेकिन अब एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहे हैं। यूक्रेन रशिया की वॉर को कहा गया कि कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी, लेकिन अब 7 महीने हो गए। तो ऐसे में आईटी सेक्टर रिसेशन प्रोन सेक्टर तो नहीं है, लेकिन रिसेशन के फेयर्स के चलते हुए थोड़ी दिक्कतें तो आ रही है। आपको क्या लगता है कि जो भी दिक्कतें इसमें है या जो भी हम कट प्राइस में देख रहे हैं, ये एक बाय की अपॉर्चुनिटी है फॉर लॉन्ग टर्म? देखिए मैडम, मेरे को ऐसे लग रहा है कि जैसे आपने बताया ना सहारा दिया, तो बाजार में सहारा देना ये एक रिले रेस के जैसे है कि मालूम पड़ा 100 मीटर तक आपने सहारा दिया, उसके बाद में दूसरे ने सहारा दिया, इस तरह कारवां चलते रहता है। कोई भी एक भी इंडस्ट्री हमेशा के लिए अमर नहीं है यहाँ पर, अमर इन द सेंस ये नहीं कि हर समय अच्छा करती रहेगी, हर साल अच्छा परफॉर्मेंस करती रहेगी, क्यों तो FMCG भी नहीं करती है। आप अगर देखा जाए जिसको हम रिसेशन प्रूफ सेक्टर मानते हैं और उनका कैश फ्लो अनपैरेलल है, जो भी FMCG कंपनियों का है, वो भी 10-10 साल तक परफॉर्म नहीं करती। ऐसा भी हिंदुस्तान लीवर ने 2003 से लेकर 2008-10 तक परफॉर्म ही नहीं किया, जीरो रिटर्न दिया। विप्रो जैसी कंपनी ने 2002 के बाद में 2015-16 या 2017 हर तक जीरो रिटर्न दिया है। 2002 से अगर आप कैलकुलेट करेंगे, या टेक बूम जब खत्म हुआ 2001-2002 में, जो भी 2000 में खत्म हुआ, 15 साल तक रिटर्न नहीं दिया इंडस्ट्री, मतलब रिटर्न नहीं दिया शेयर होल्डर्स के लिए, लेकिन कंपनी फिर भी बढ़ती रही। तो दो तरह की राइज होती है, एक तो होती है कि राइज जिसको हम बोलते हैं स्टीप राइज होती है, ठीक है, और एक होती है हॉरिजॉन्टल राइज होती है। तो कभी जो कंपनियां होती है वो स्टीप राइज करती है एकदम, तो और उसके बाद में जब वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, फिर वो जैसे हाथी के जैसे वो थोड़ी सुस्ताती है, थोड़ा अपना और दूसरी शक्तियां एकत्रित करती है, दूसरे रिसर्च उनमें चलते रहते हैं, तब वो हॉरिजॉन्टल ग्रो करती है कि कंपनी ग्रो कर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो कर रही है, लेकिन मार्केट ने उसको ऑलरेडी इतना डिस्काउंट दे चुका है, ऑलरेडी पहले उसको इतना पी दे दिया उसको मार्केट को, तभी वो अपने आप अपने पी को एडजस्ट कर रहा है। ये इस तरह का एक खेल यहाँ पर हमेशा चलते रहता है, इतिहास यही बताता है, जब से शेयर बाजार है तब से ही चलते रहता है। यही मेरे को लग रहा है आईटी सेक्टर में हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो 2018-19 के पहले जिन आईटी सेक्टर के अंदर में, अगर आप समझिए इसको दो में विभाजित कीजिए एक मिनट के लिए, एक लार्ज कैप और मिड कैप, मिड कैप में स्मॉल कैप मिड कैप जो भी है, छोटी कंपनियां और बड़ी कंपनियां, बड़ी कंपनी में समझिए TCS, इन्फोसिस, विप्रो या जो भी है, सब 3-4 SCL, VSCL 3-4 कंपनियां आती, तो उसके बाद में नीचे में आ जाइए, इन सबके पी अनाप शनाप री रेटिंग हो चुके थे 2020-21 के अंदर में। जो 15-20 के पी थे वो 30-35 पे चले गए, इवन L&T टेक्नोलॉजी, L&T ये वो, आप उनको देखिए, उनके पी बहुत जोर से री रेटिंग में, छोटी कंपनियां जो थी जो 8-10-12 के पी में थी वो 20-25 के पी में चली गई। तो अब वो पी एडजस्टमेंट हो रहा है, अभी वो वापस अपना बेस ढूंढ रही है, और ये हमको समझना चाहिए कि ये ज्यादातर निर्भर है US और यूरोप के ऊपर में, ये ज्यादातर इसमें एक्सपोर्ट के ऊपर निर्भर है। तो अब वहां पर स्थिति थोड़ी डामाडोल है, तो मेरे को लगता है ये सेक्टर थोड़ा सा स्ट्रेस में रहेगा, और ये भी निरंतर बढ़ने वाला सेक्टर है, ये टेम्परेरी है फिनोमिना कि हाँ भाई हो सकता है कि 6 महीने से वो खराब चल रहा है, ऊपर से शेयर 50% तक गिर भी चुके हैं कई कंपनियों के शेयर, जैसे टेक महिंद्रा वगैरह ऊपर से 40-50% गिर चुका है। तो अब ज्यादा गिरने की गुंजाइश नहीं भी हो तो शायद हो सकता है साइडवेज चले, फिर एक बार यूरोप की और वो सेंटिमेंट की भी बात है ना, फॉरेनर को अगर बेचना है वो FI आकर धड़ाधड़ रोज माल बेचे जा रही है 3-4 हजार करोड़ का, तो जिसमें लिक्विडिटी होगी वो बेचेगा, इनमें लिक्विडिटी है, इनके अंदर में ये बिक रहा है ये बेच दो, वो बाद में वो नहीं सोचते कि उनको आलू बेचना है या बैंगन बेचना है, जिधर लिक्विडिटी उधर बेचकर निकलना उन लोगों को, तो वो भी, और उनका बहुत बड़ा इसके अंदर में स्टेक है आईटी सेक्टर में, तो सारे
कुछ तरह से ऐसे वो मिल गए हैं, ग्रह मिल गए हैं कि उधर भी मंदी है, एफआईज के एग्जिट भी है और लिक्विडिटी भी है, तो इस बोल का थोड़ा सा ये सेक्टर स्ट्रेस में है। मेरे को लगता हो सकता अगले साल ठीक हो जाए। जी सर, अगर हम देखें तो एफआईज की जो पार्टिसिपेशन है हमारे मार्केट्स में तो वो थोड़ी बहुत फीकी दिख रही है, क्योंकि अब हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, हमारे म्यूचुअल फंड्स है, उनकी इन्वेस्टमेंट काफी अच्छी रही है इस पूरे पिछले संवत में। 2078 की अगर हम बात करें, नेट सेलर्स रहे हैं एफआईआईज, लेकिन फिर भी हमारा मार्केट जो है वो खड़ा हुआ है, उतनी हमने गिरावट नहीं देखी, शार्प गिरावट। तो हमको एफआईआईज की जरूरत है या फिर रहने दीजिए? नहीं सर, हम तो मैडम ऐसे, हम लोग तो कस्टमर है, तो हमारे लिए तो हर आदमी ग्राहक है, माने हर जो भी लेने बेचने वाला हमारे लिए ग्राहक है, तो जरूरत तो हमको है, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंस हम दे या नहीं दे ये हमको समझने की बात है। तो हमारे में थोड़ी सी वो मानसिकता हमारी ऐसी है, वो क्योंकि गुलामी से निकल के हम लोग आए हैं, तो गोरी चमड़ी देखकर हम थोड़ा सा ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं कि हाँ भैया फॉरेनर है, तो उसके नाम का ठप्पा लग जाता है। तो और उनके उनके पास में मनी पावर भी है, और समझिए उनके पास में रिसर्च भी बेटर है। हमारे जो कमजोर, हमारे जो इन्वेस्टर रिटेल इन्वेस्टर है, वो हम सब जानते हैं ये बेचारे कमजोर हैं, इसके लिए कमजोर है कि स्कूल में तो कोई पढ़ाई लिखाई आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में कभी पढ़ाया नहीं जाता है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो नौकरी करने के लिए है, कि हम नौकरी करते रहे, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं है। तो पहले तो एंटरप्रेन्योरशिप की बात आई, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट की बात आएगी। इन्वेस्टमेंट का कोई कोई पढ़ाई नहीं किया, पढ़ते ही नहीं है, पढ़ाया नहीं जाता है। अभी जो सब लोग आ रहे हैं वो सब क्विक मनी बनाने के हिसाब से आ रहे हैं। तो इस बोल कर ये एफआईज का सामना करने के लिए म्यूचुअल फंड एक रास्ता है, जिसको म्यूचुअल फंड एफआईएस का सामना कर सकता है। तो मेरे को ये जरूर लग रहा है कि उनका इम्पोर्टेंस जरूर कम हो रहा है मार्केट के अंदर में। जो 5 साल पहले तक उनका जो प्रभुत्व था, उनका जो डोमिनेंस था, उनकी जो इम्पोर्टेंस थी और उनके जो रुपये की जो वैल्यू मानते थे, वो जरूर मार्केट के अंदर में कम हो रही है, और उसका पूरा योगदान जाता है म्यूचुअल फंड को, रिटेल इन्वेस्टर्स को। और अब वो डिपेंड करता है कि लेकिन हम कहाँ तक उनको झेल सकते हैं, ये डिपेंड करता है। और उनका भी कोई ठीक नहीं है, वो कल बेचते बेचते परसों लेने लग जाएंगे। जैसे 15 दिन पहले भी यही हुआ, पहले उन्होंने बेचा $30-35 बिलियन का माल बेचा, बाद में कुछ लेने के लिए आ गए $10-15 बिलियन। तो उनका कोई ठीक नहीं है, तो उनके ऊपर फैसले नहीं करने चाहिए। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को तो एफआईज का, मैं तो जितने शेयर लिया हूँ आज तक, शुरू में कोई भी शेयर के अंदर में एफआईज नहीं था, एफआईज छोड़िए डीआईज भी उसके अंदर में नहीं थे। तो इन्वेस्टर को तो अपना खुद का समझना चाहिए, हमको उस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। हम ये मैं आपको जरूर बोलूंगा, साइकोलॉजिकली हम जरूर एज ए होल मार्केट साइकोलॉजिकली जरूर, तभी हम रोज दिन भर फिगर देखते रहते हैं, एफआईज ने कितना बेचा, एफआईज ने कितना लिया। अपने को क्या जरूरत है एफआई बाबा, लेने दे बेचने दे, वो भी एक कस्टमर है। अगर वो शेयर बाजार में, अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में ग्रोथ होगी तो बेभाव लेके जाएंगे, तो उनके क्या, उनके बाप का पैसा तो है नहीं मैडम, वो तो किसी दूसरे का पैसा ही मैनेज कर रहे हैं ना, तो वो बॉटम में भी बेच के जाएंगे और वापस लेने भी आ जाएंगे। तो मतलब ये है कि उतना ज्यादा उनको इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए, और ये प्रभुत्व उनका कम हो रहा है, ये आंकड़े हमको बता रहे हैं कि अभी वो 3-4 हजार करोड़ रोज बेचते हैं, डीआईएस 1000-1500 करोड़ रोज ले रहे हैं ज्यादा, क्योंकि 12-13 हजार करोड़ रुपया मेरे ख्याल से महीने का आ रहा है म्यूचुअल फंड के अंदर। तो ठीक है, तो ये आस्ते आस्ते ये रेशियो जो है मेरे को लग रहा है ये जरूर चेंज हो जाएगा, और एफआईएस का जो प्रभुत्व है वो इंडियन मार्केट में आस्ते 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 डिमिनिश हो जाएगा, आस्ते आस्ते खत्म हो जाएगा। चलिए सर, अब ये बताइए कि आप जब नई कंपनीज को देख रहे हैं जो आपके रडार पे है, तो किस बेसिस पे आप जो है कंपनीज को सिलेक्ट करते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए, और नए निवेशक जो बाजार में प्रवेश कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज हो? देखिए, नए निवेशक को मैं हर समय हर प्लेटफॉर्म पे एक ही बात बोलता हूँ, सबसे पहले तो ये कि भैया अगर तू MBA पढ़ा लिखा है और या तू CA पढ़ी लिखी है, तो तू जाकर तुरंत क्रिकेट नहीं खेल सकती है टेस्ट मैच के अंदर में, या T20 के अंदर में आप क्रिकेट नहीं खेल सकते हो तुरंत जाकर, या तुरंत जाकर आप गाड़ी नहीं चला सकते, उसके लिए आपको गाड़ी सीखनी पड़ेगी, क्रिकेट के लिए क्रिकेट खेलना पड़ेगा, स्विमिंग करने के लिए स्विमिंग सीखना पड़ेगा। तो आपका एजुकेशन से कोई मतलब नहीं, और ये आपके अरमानों से कोई मतलब नहीं है कि आप सोचो ड्रीम में रात को उठ के आ जाओ सुबह कि मेरे को शेयर बाजार में कुछ करने का है और मैं तोड़ दूंगी फोड़ दूंगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तोड़ दूंगी फोड़ दूंगी मानी अपनी हड्डी तोड़ लूंगी फोड़ लूंगी, मतलब ये होने वाला है इसके अंदर। ये सिंपल यहाँ का नियम है कि आपको इसकी एजुकेशन, आपको इसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट की पढ़ाई अलग से आपको करनी पड़ेगी। और मेरे को जो समझ में आया मैडम, ये खाली अनुभव का गेम है, इस पे पढ़ाई से भी ज्यादा अनुभव चाहिए, थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल चाहिए। यहाँ पे थ्योरी आप दूसरे को देखकर भी सीख सकते हैं, आप खुद ना भी पढ़े, मैं आपको ऑब्जर्व करके सीख सकता हूँ कि आप किस तरह, कितने सुंदरता से आप इंटरव्यू लेते हैं, कैसे शालीनता से आप बातें करते हैं। लेकिन जब तक मैं वो मॉक नहीं करूंगा, जब तक मैं उसको प्रैक्टिस नहीं करूंगा,
मैं आपके 10% भी नहीं बन सकता हूँ। ये थ्योरी शेयर बाजार में लागू है सिंपल। यहाँ पर अनुभव की कीमत है, अनुभव का ही दाम है यहाँ पे, यहाँ पे थ्योरी का कोई दाम नहीं यहाँ पे। तो नए इन्वेस्टरों को सबसे ये समझना चाहिए कि ये जब तक वो ये एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, जब तक वो अपने लाइफ में गिरेंगे नहीं, तब तक वो संभलेंगे नहीं, तब तक वो खड़े नहीं होंगे वहां पर। तो इस बोलकर गलतियां भी अगर करें तो ऐसी गलती करें जिस गलती को आप दूसरी बार तीसरी बार रिपीट कर सकते हो। आप एक बार गलती किए और एक ही बार में आउट अगर हो गए तो मैदान के आप बाहर चले गए, आपने तो छोड़ दिया रण को, तो फिर आपके तो आपके लिए लाइफ खत्म हो गई आप। तो नए इन्वेस्टर को मेरे को लगता है इस एजुकेशन की बहुत बड़ी कमी है, जबकि ऑफकोर्स सेबी ट्राई कर रही है, एनएससी बीएससी ट्राई कर रहे हैं उनको एजुकेट करने का, लेकिन वो तादाद इतनी बड़ी है कि 10 करोड़ अकाउंट खुल गए हैं। आप समझिए 10 करोड़ में अकाउंट में, हाँ 10 करोड़ में डबल भी अकाउंट होंगे एक एक आदमी के, दो दो तीन दिन, तब भी 3-4-5 करोड़ तो 3-4 करोड़ तो पार्टिसिपेंट है, ये इन्वेस्टर नहीं है, मैं इनको बोलता हूँ ये पार्टिसिपेंट है। ये आधे से ज्यादा इसमें सट्टा कर रहे होंगे या आधे से ज्यादा इसके अंदर BTST आज लेंगे या 2 मिनट बाद बेच देंगे, ये कर रहे होंगे। ये सुधार नहीं होने वाला है, ये चीज जो हो रहा है इसके अंदर में न इन्वेस्टर का भला होने वाला है और न इकोनॉमी का भला होने वाला है। तो ये चीज थोड़ा सा समझना चाहिए। मेरी राय सबसे उनको ये रहती है, अगर आप नए इन्वेस्टर अगर आप आए हो तो आप सबसे पहले म्यूचुअल फंड में पैसा अपना लगाओ, ताकि बाजार के प्रति आपका अट्रैक्शन, आपका कम्युनिकेशन, आपका उसके साथ में अफेयर चालू हो मार्केट के साथ में, कि हाँ भाई आपने एक बार म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया, अब आप रोज मार्केट देख रहे हो और सीख रहे हो, उसमें उसको बिताओ 6 महीना साल भर, उसको एकदम नेट प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं उसको आप करके आप अपना अपना ज्ञान अपना बढ़ाते रहिए, अपना अनुभव बढ़ाते रहिए, फिर आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में आइए। ये मेरा नए इन्वेस्टरों को ये संदेश है। बस लास्ट क्वेश्चन का जवाब आपने नहीं दिया कि कौन से ऐसे सेक्टर्स है जहां पे आपकी नजर है इस समय। हाँ मैंने बताया जैसे कैपिटल गुड्स है, मैं क्या ले रखा हूँ आपको ये बताओ, मैं कैपिटल गुड्स में एक कंपनी ले रखा हूँ, वो पहले अच्छा किया उसने अभी वो अच्छा नहीं करा, जैसे एलिकॉन इंजीनियरिंग, मैं आपको नाम भी बता देता हूँ आपको, मैंने लिया था लास्ट ईयर, मैंने लिया था अभी वो अच्छा किया, और वो गियर बनाती है, जितने भी ये स्टील के सेक्टर, सीमेंट के सेक्टर, पावर के सेक्टर, हर सेक्टर को वो गियर बना, अभी विक्रांत जो आया था, जो विक्रांत अभी नया रीलॉन्च हुआ है, गवर्नमेंट ने किया उसका गियर भी इस कंपनी ने बनाया था, लेकिन अभी वो भाव ऊपर से गिरने लग गया है क्योंकि उसके अंदर में थोड़ा प्रेशर है। प्रेशर ये है कि वो एक्सपोर्ट भी करते हैं और यूएस वगैरह में रिसेशन चल रहा है, यूएस और यूरोप में रिसेशन चल रहा है, तो शायद हो सकता है उसकी वर्किंग इफेक्टेड हो जाए। तो ये चीज ध्यान में रखने है कि जब तक वो नहीं होगा तब तक हो सकता है शेयर प्रेशर में होगा, लेकिन मैंने एक भी शेयर नहीं बेचा क्योंकि मैं तो मैराथन दौड़ रहा हूँ, मेरे कोई 100 मीटर से कोई मतलब नहीं है, बीच के अंदर में मौसम चेंज हो गया या कभी गर्मी आ गई, सर्दी आ गई, पतझड़ आ गया, बसंत आ गया, तो मैं अपना माइंड इस तरह से चेंज नहीं करता हूँ। तो ये खाली एग्जाम्पल के लिए बताया कि मैं मेरा कैसे अप्रोच है, तो मेरे को लॉन्ग टर्म ठीक लगता है कि ये तो साइकिल है, छोटे मोटे साइकिल है, ये निकल जाएंगे। अभी तो समझिए रिसेशन मालूम नहीं, कुछ कंट्री तो डिक्लेयर कर दिए रिसेशन है, कुछ कंट्री बोलती है हम 6 महीने बाद डिक्लेयर करेंगे रिसेशन है। मेरे को आज तक इकोनॉमिस्ट का एक गणित ही समझ में नहीं आया कि आज आप बीमार है और आप बोलेंगे 6 महीने बाद हम बोलेंगे कि हाँ भाई हम बीमार हैं या हम बीमार थे, या बाद में बोलेंगे बीमार थे अभी हम निकल गए। तो इन लोगों को इनका तो कोई गणित, ये लोग ही समझते हैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर में, एज एन इन्वेस्टर मेरे को इनका गणित समझ में नहीं आता। तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट है जैसे इस तरह की कुछ कंपनियों में है, कुछ मैंने अभी एक 3-व्हीलर कंपनी के अंदर में मैंने स्टेक लिया है, और वो रिकमेंडेशन नहीं है ये समझ के चलिए, क्योंकि आने वाला जो टाइम है आजकल 4-6 महीना, देखिए हम पैसा कभी तभी कमाते हैं जब हवा भी एक तरफ चले और शिप भी एक तरफ चले, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा थोड़ी सी हिंड्रेंस आएगी, स्पीड ब्रेकर आएगा। तो अभी थोड़ा सा ये मार्केट हो सकता है 4-6 महीना बायस मेरे को लगता है साइडवेज रहेगा, और बहुत मुश्किल है थोड़ा सा चुनाव करना कि कौन सा शेयर बढ़ेगा कौन सा शेयर नहीं बढ़ेगा। तो ये थोड़ा थोड़ा सा इस तरह का थोड़ा सा मौसम है, डिफिकल्ट टाइम रहेगा, तो कॉशियस रहना चाहिए लोगों को। और जैसे मैंने बताया कि बैंकिंग जो मेरे को लग रहा है कि बैंक के शेयर थोड़ा से अच्छे करने चाहिए, जैसे फेडरल बैंक के नंबर्स आए, वो कल नंबर अच्छे आए, लेकिन फिर भी ये थोड़ा हो सकता है चाल थोड़ी स्लो रहे और ये थोड़ा सा साइडवेज मार्केट रहे, ऐसा मेरे को समझ में आता है। तो लॉन्ग टर्म का खाली ध्यान रखकर निवेश करना चाहिए, अगर आपका 4-5 साल का व्यू है तो ये आपको काम करना चाहिए, नहीं तो फिर थोड़ा बैठ के तमाशा देखिए, मैच देखिए कि क्या हो रहा है। थैंक यू विजय जी, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आपको, आपके परिवार को, हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों भी, आपके सारे परिवारों को, सबको दिवाली की शुभकामनाएं। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच।